वेलकम टू माय चैनल कबूतर लाइव टू में आपका स्वागत है। आपकी खिदमत में मिराज भाई। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कबूतर के पर काटने का सही तरीका क्या है, कैसे कबूतर के पर काटें जो कबूतर अच्छी तरह से सुरक्षित रहे और सही रहे। आज हम कबूतर के पर काटने का तरीका बताएंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कबूतर के पर कैसे काटे जाएं और सही पर काटने का तरीका क्या है, वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। आप लोग कबूतर भी खरीद लाए, नर्मदा की पहचान भी हो गई, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कबूतर के पर कैसे काटे जाएं और सही पर काटने का तरीका क्या है। वैसे आप लोग तो जानते होंगे कि कबूतर के 10 पर होते हैं, 10 एक तरफ पर होते हैं और 10 एक तरफ पर होते हैं, कुल मिलाकर 20 पर हुए। तो आप लोगों को पर कैसे काटे, ये हमारे पास कबूतर है, तो आप लोग इसके पर कैसे काटेंगे। कबूतर खरीद के लाए हैं या कबूतर पकड़ा हुआ है, तो आप लोग उसके पर कैसे काटेंगे। तो आप लोगों को पर ऐसे काटना है कि आप लोग दो पर शुरुआत के छोड़ दें, बाकी आपके ये 8 पर होंगे, ये 8 पर पूरे काट दें और अंदर से ना काटें, 1 इंच छोड़कर काटें। जैसे ये कि कटे हुए हैं, देख लीजिए, ऐसे इधर भी काटें, 2 पर छोड़ दें शुरुआत के और फिर ये 8 पर काट दें, 1 इंच छोड़ के काटें, ज़्यादा अंदर से ना काटें। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पर काटने का सही तरीका नहीं पता होता है, और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पर काटना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लगा के पूरे पर अंदर से काट देते हैं, तो उसके बाजू ख़राब हो जाते हैं, ये पूरे पर काट देते हैं, तो कबूतर एकदम डुंडा दिखाई देता है और कबूतर सही नहीं दिखता है, उसके बाजू भी ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए, और कुछ लोग क्या करते हैं, ये अंदर से ही पर काट देते हैं, ये 1 इंच भी नहीं छोड़ते, वो अंदर से यहाँ से पर काट देते हैं, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से पर काट देते हैं, ये तो कबूतर का बाजू ख़राब होने में ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी, अगर कबूतर का बाजू ख़राब हो जाएगा। और आप लोग अगर कबूतर खरीद के लाए हैं या पकड़ा हुआ कबूतर है, तो आप 2 आगे की जो है पर छोड़ दें, बाकी 8 पर बचेंगे, 8 पर कबूतर के काट दें, 1 इंच छोड़ के काटें, एकदम अंदर से ना काटें, तो कबूतर ख़राब हो जाएगा, कबूतर के बाजू ख़राब हो जाएंगे, अंदर से ना काटें और उसको झाड़ने में भी दिक्कत होगी। और ऐसे 1 इंच कटा हुआ है तो कबूतर आसानी से पर झाड़कर 3-4 महीने में पर्दार हो जाएगा। और अगर जो है आपने अंदर से काट दिए तो 7-8 महीने भी लग सकते हैं झाड़ने में, अगर ये 2 कली भी काट दी तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, ये जल्दी कली झड़ती नहीं, ये आखिरी की कली है, ये अगर अंदर से काट दी गई तो ये कबूतर झाड़ नहीं पाएगा, आखिर में इनको उखाड़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ से ना काटें, 2 पर छोड़ के 8 पर अंदर से काट दें, ये 1 इंच छोड़ के 8 पर काट दें, तो आपका कबूतर सही रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही पर काटें और ज़्यादा अंदर से पर ना काटें, वरना आपका कबूतर के बाजू ख़राब हो जाएगा और वो शायद उड़ भी ना सके। तो आप लोग हिलाने के लिए कबूतर ऐसे ही पर काटें,
और अगर आपका कबूतर ज़्यादा ही यानी तेज़ है तड़कने में तो आप ये वाली छोड़ के इसकी आधी कर दें, यहाँ काट दें, डेढ़ पर का रखें। अगर आपका कबूतर इतने पर काटने से भी तड़क जाता है तो आप डेढ़ पर कर दें इसका। ये दो हैं, आप दूसरा वाला पर आधा काट दें तो आपका कबूतर तड़केगा नहीं। तो आप लोग सही पर जान गए होंगे कबूतर का कैसे काटें। और अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कबूतर को घर का पक्का कैसे करें या छत का पक्का कैसे करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी भी दबाएं, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।